अरे भैया सिम चाहिए, कौन सा चाहिए, आपका बजट कितना है, आपको किस साइज का सिम चाहिए, मटेरियल कौन सा चाहते हो साहब, आपको कौन से बाउल का सिम चाहिए, वन बाउल या डबल बाउल। तो भाई आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सिम के बारे में पूरा डिटेल से। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि जब आप सिम खरीदने जाते हो मार्केट में तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मार्केट वाले, लेकिन क्या आपको सबके आंसर पता है? अगर नहीं पता है तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू choosecar.com एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिम के बारे में पूरा डिटेल से। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किचन सिम। जी हाँ दोस्तों, आखिर किचन सिंक कितने टाइप्स के होते हैं? तो भाई काफी सारे टाइप्स ऑफ किचन सिंक यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फार्म हाउस सिंक, टॉप माउंटेन सिंक, अंडर माउंटेन सिंक, कॉर्नर सिंक, बार सिंक, पीप सिंक, सिंगल बाउल सिंक, डबल बाउल सिंक एंड इंटीग्रेटेड सिंक। अरे भाई मैंने क्या बोल दिया, तो आपको बताया था पूरा डिटेल से कि इन सब के मतलब क्या क्या है एंड इन सब के बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फार्म हाउस सिंक के बारे में। फार्म हाउस सिंक जो होते हैं काफी लार्ज टाइप के होते हैं एंड ये बड़ी फैमिली के लिए काफी अच्छे होते हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली में काफी सारे लोग तो आप इस सिंक को अपने घर में लगवा सकते हो, जिससे कि आप इजीली सारे काम कर पाओ। चलिए हम बात करते हैं अंडर माउंटेड सिंक के बारे में। तो भाई ये वाली जो सिंक होती है, ये आप जैसे समझ सकते हैं नाम से कि अंडर माउंटेड सिंक, यानी कि ये अंदर से फिक्स हो जाती है काफी इजी तरीके से एंड वो साफ भी काफी इजी तरीके से किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं टॉप माउंटेड सिंक के बारे में। टॉप माउंटेड सिंक नाम से पता लग रहा है कि आपको ये अंदर से फिक्स करनी होती है, जो कि काफी इजी तरीके से हो जाती है एंड सेम ये भी काफी इजी तरीके से साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं बार सिंक के बारे में। ये काफी छोटी सिंक होती है जो कि काफी अच्छी नहीं लगती, मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को बार सिंक लगवाने का। चलिए बात करते हैं कॉर्नर सिंक के बारे में। नाम से पता लग रहा है कॉर्नर सिंक, यानी कि कॉर्नर में ये सिंक लगती है किचन में, जहां से कि आप इजीली काम कर सकते हो। अगर आपकी किचन छोटे तो आप सिंक को अपने किचन में लगवा सकते हो, जहां से कि आप सारे काम कर पाओ कॉर्नर में ही। चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट सिंक के बारे में, जो कि प्रीप सिंक। प्रीप सिंक का भी सेम फंडा है कि ये भी काफी अच्छी तरीके से आती है एंड आप इसको अपने किचन में लगवा सकते हो। चलिए बात करते हैं सिंगल बाउल सिंक के बारे में। नाम से पता लग रहा है कि इस किचन सिंक में सिर्फ एक बाउल होता है, जो कि सिंगल बाउल होता है। इसमें आप सारे यूटेंसिल्स को, सारी चीजों को साफ कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। लेकिन हम बात करें डबल बाउल सिंक की, तो डबल बाउल सिंक जो होती है ये डबल बाउल में आती है। एक बाउल में आप अपने यूटेंसिल्स धो सकते हैं, एक बाउल में आप अपनी वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह धो सकते हैं, जो कि काफी अच्छा होता है। डबल बाउल सिंक बेसिकली बड़ी फैमिलीज के लिए ही होती है। चलिए बात करते हैं इंटीग्रेटेड सिंक के बारे में। ये सिंक जो ग्रेनाइट की बनी होती है एंड आप इसको भी अपने किचन सिंक में कस्टमाइज करवा सकते हो एंड लगवा सकते हो। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ किचन सिंक, लेकिन आपको कौन सा सिंक चाहिए तो सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आपका किचन सिंक किस टाइप का है, कितना बड़ा है, कितना साइज क्या है। चलिए हम बात करते हैं कि आप एक सिंक को कैसे खरीद सकते हैं एंड आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप किचन सिंक खरीदने जाएं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किचन का सिंक का साइज। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि अगर आप एक सिंक खरीद रहे हो तो इसका मतलब है आपने अपना घर बनवाया है और उसमें अपने किचन को बनवाया या फिर रेनोवेट कराया है। तो भाई अगर आपको अपने किचन सिंक का साइज नहीं पता है तो आप एक इंची टेप के थ्रू भी उस साइज को नाप सकते हैं, या फिर आपने जिससे भी अपना किचन बनवाया है आप उसे पूछ सकते हैं, वो आपको इजीली बता देगा। जैसे कि मिस्त्री लोग होते हैं, वो लोग बता सकते हैं आपको कि आपका सिंक का साइज क्या है अगर आपके पास इंची टेप वगैरह नहीं है तो। लेकिन इंची टेप होने से आप काफी इजी तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपके किचन सिंक का साइज कितना है एंड फिर आप उसको जाके शॉप पर बता सकते हैं कि भाई हमारा ये साइज का किचन सिंक है, तो आप उस साइज का किचन सिंक वो निकाल के आपको दे देगा एंड आप खरीद सकते हो। सेकंड जो चीज आपको याद रखनी है वो है कि सिंक का मटेरियल। जी हां दोस्तों, काफी सारे मटेरियल की सिंक आती है मार्केट में, जैसे कि पोर्सिलेन हो गया, स्टेनलेस हो गया, ग्रेनाइट होगा, इन सब मटेरियल की सिंक आती है मार्केट में। तो सबके सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आपको कौन सा मटेरियल खरीदना है। अगर आप ड्यूरेबिलिटी की तरफ से जाओगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेनलेस और पोर्सिलेन की तरफ जाइएगा, क्योंकि वो काफी अच्छी सिंक होती है ड्यूरेबिलिटी की मदद से एंड काफी सही तरीके से चलती है। मोस्टली स्टेनलेस सिंक को ही काफी लोग प्रेफर करते हैं अपने सिंक में यूज करना, जो कि काफी अच्छी बात है। सो भाई आप भी चाहें तो आप स्टेनलेस सिंक की तरफ जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आपको थर्ड पॉइंट कौन सा याद रखना है। चाहिए दोस्तों, आपको थर्ड पॉइंट वो है आपका शेप। चाहिए दोस्तों कि आपको किचन सिंक में कौन सी शेप की किचन सिंक लगवानी है। बहुत सारे शेप की किचन सिंक आती है मार्केट में, लेकिन सबसे ज्यादा जो शेप चलते हैं वो चलते हैं रेक्टेंगल शेप के। जी दोस्तों, जिसमें काफी अच्छी तरीके से आप अपने यूटेंसिल्स को धो सकते हैं और काफी इजी तरीके से। लेकिन हम बात करें कि मार्केट में कौन कौन से डिजाइन अवेलेबल है भाई। तो भाई मार्केट में काफी डिजाइन अवेलेबल है, जैसे कि राउंड शेप का भी सिंक आता है, ट्रायंगल
शेप का भी सिंक आता है एंड रेक्टेंगल शेप का भी सिंक आता है। सो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट डिजाइन कौन सा है एंड आप कौन से शेप का डिजाइन लगवाना चाहते हैं आपके किचन सिंक में। सो भाई घुमा फिरा के मैं बात करूँ, सारी की सारी बात आ जाती है आपके ऊपर कि भाई आपका बजट क्या है, आपका डिजाइन क्या है, आपकी पसंद क्या है। लेकिन हम मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेक्टेंगल शेप का किचन सिंक लगवा देते हैं अगर आप लगवाना चाहते हैं अच्छा किचन सिंक अपने मतलब इंडिविजुअल टाइप से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर पॉइंट की तरफ जो कि है बाउल्स। दोस्तों आप जानते होंगे काफी टाइप के सिंक आते हैं सिंगल बाउल में और डबल बाउल में, तो आपको कौन सा सिंक खरीदना चाहिए सिंगल बाउल या डबल बाउल, तो आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप इंडिविजुअल हैं आपकी छोटी फैमिली यानी चापा नौ की फैमिली है तो आप सिंगल बाउल सिंक की तरफ जा सकते हैं, वरना अगर आपकी बड़ी फैमिली है जिसमें काफी सारे लोग रहते हैं तो आप डबल बाउल सिंक लगवा सकते हैं। बेसिकली डबल बाउल सिंक जो होती है वो महंगी आती है, सिंगल बाउल सिंक थोड़ी सही आ जाती है रेंज के अंदर। तो वही अगर आपको जो सिंगल बाउल सिंक खरीदना है तो आप वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो आप डबल बाउल सिंक भी खरीद सकते हैं। इट जस्ट अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है एंड आप कौन सा सिंक लगवाना चाहते हैं। तो ये तो बात हो गई टाइप्स की और आपको क्या क्या चीज याद रखनी है किचन सिंक को खरीदते समय। लेकिन अब बात करते हैं व्हाट आर द बेस्ट किचन सिंक इन इंडिया, यानी कि सबसे बेस्ट किचन सिंक कौन से इंडिया में। तो भाई काफी सारे किचन सिंक अवेलेबल है मार्केट में जो कि आप खरीद सकते हो। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो कि choosekarlo.com किया। दोस्तों मैंने वहां पे आपको टॉप 10 बेस्ट किचन सिंक इन इंडिया के रिव्यूज किए हुए हैं जिनको पढ़कर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट किचन सिंक कौन सा है। जी हां दोस्तों जितनी मैंने यहां पर शेप आपको बताई है सबके मैंने वहां पर रिव्यूज किए हुए हैं एंड जो कि काफी अच्छी बात है एंड आपको काफी इसी तरीके समझ में आ जाएगा। अगर मैं उनको वीडियो बताऊंगा तो सबके अलग अलग सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाने पड़ेंगे। अगर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आप सबके सेपरेट वीडियोस चाहते हैं तो सबके सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, अदरवाइज आप लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं एंड वहां से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो आप Amazon पे आके खरीद सकते हैं, वहां पे बाय फ्रॉम Amazon लिखा होगा वहां से आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। जी हां दोस्तों सो आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता डिसलाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।